नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वर्तमान की काफी बड़ी खबरें हैं। हाल ही के अंदर आपको पता है शिक्षक भर्ती के लिए छात्र प्रदर्शन के लिए उतरे हैं, महाधरना है जहां पर काफी जगहों से सपोर्ट मिला। मैंने कल की वीडियो में बताया था इस धरने में सपोर्ट के रूप में हिमांशी मैम, आप सभी को पता है जिनका चैनल है लेट्स लर्न करके उनका समर्थन मिला है। साथ ही साथ रोजगार भी थंकित अंकित बाटी सर का और इसके साथ ही साथ कई अन्य शिक्षकों का भी समर्थन मिला है। काफ़ी भीड़ उमड़ी थी, काफ़ी जनसैलाब था, काफ़ी छात्रों का समर्थन था, जिसके बाद क्या आयोग का बयान आया, क्या सरकार झुकी, महाधरना का परिणाम क्या निकला, कब तक आएगी यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती, सुपर टेट नोटिफिकेशन, यूपी टेट नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, सारी बातें हम प्रॉपरली करेंगे। हाल ही के अंदर की एक खबर है, हाल ही के अंदर का एक बयान है जो कि कल के महाधरना से ही संबंधित है। सारी सूचनाएं प्रॉपर तरीके से प्रेषित होंगी। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब अपडेट की अगर हम बात करें तो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही होगी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी हेडलाइंस देखेंगे, इसी तरह की कई न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जहाँ पर खबरों को प्रसारित किया गया है, काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी है ये खबरें। यहाँ पर देखें, शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने घेरा आयोग। यहाँ पर अगर देखेंगे साइड वाला, ये अगर देखेंगे कि दिन भर बंद रहा शिक्षा सेवा चयन आयोग का गेट, कार्यालय में फंसे रहे अफसर, कुछ तो हेडलाइंस इस प्रकार से भी है। जहां पर कहा गया कि छात्रों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर ताला लगा दिया। अगर इसे पूरी तरह से पढ़ेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को एलनगंज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। अभ्यर्थी दिन भर धरने पर बैठे रहे, इस वजह से अफसर कार्यालय में ही फंसे रहे। आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि संबंधित विभाग और शासन को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है। अभ्यर्थियों ने 10 दिन पहले प्राथमिक शिक्षक के रिक्त 78,825 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आयोग पर धरना प्रदर्शन किया था। तब आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आश्वस्त किया था कि जल्द ही विभाग से अधियाचन मांगने के लिए पत्र भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की थी, जिस पर अध्यक्ष ने एक कमेटी गठित की। अभ्यर्थियों ने कहा था कि एक हफ्ते में अगर मांग नहीं पूरी होती तो दोबारा आयोग का घेराव करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी पत्थर गिरिराज के पास लगातार धरने पर बैठ गए। फिर उसके बाद जब अल्टीमेटम पूरा हुआ तो 18 के बाद 19 तारीख से दोबारा से प्रदर्शन के लिए छात्र बैठे, यानी कल की तिथि से छात्र प्रदर्शन के लिए बैठ गए। उसके बाद हाल ये हुआ, इतनी भीड़ हुई कि छात्रों ने ताला ही बंद कर दिया, गेट ही पूरी तरह से जाम कर दिया, अफसरों को बाहर ही नहीं निकलने दिया। शाम को पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद कहीं जाकर अफसर घर जा पाए, यानी कि बाहर निकल पाए वहां से। फिर उसके बाद आश्वासन मिला, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं था। यहां पर उपस्थिति में काफ़ी शिक्षकों की उपस्थिति थी, जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाते हैं शिक्षक, लगभग सभी की उपस्थिति थी, कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी थे। फिलहाल रजत सिंह का बयान आया था बीच में कि हमें निमंत्रण आया है प्रतिनिधिमंडल का हमारे मिलने का, लेकिन जब तक पूरी तरह से निस्तारण नहीं होता इस बार, जब तक शिक्षक भर्ती की घोषणाएं नहीं होती, तब तक अब हम यहां से नहीं जाएंगे। फिलहाल ये कल की खबरें थी। आज की हम खबरों की बात करें तो आज भी चल रहा है ये प्रदर्शन, आज भी छात्र वहां पर पूरी संख्या में उपस्थित हैं। आज की खबरें आज शाम तक प्रॉपर तरीके से मैं आपको दूंगा कि आज क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। फिलहाल सीटेट का जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है, आप सीटेट का फॉर्म डाल दें, क्योंकि सीटेट दिसंबर आपके पास सुनहरा मौका है। सीटेट दिसंबर के बाद ही ये भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।